नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GPN24। कोटवार संघ ने खैरागढ़ में SDM के खिलाफ प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया है, जिसमें कोटवार की नियुक्ति को गलत ठहराते हुए आगे चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई है। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ जिला इकाई खैरागढ़ छुई खदान गंडई ने प्रदर्शन कर रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए ज्ञापन देने कार्यालय पहुंच गए। कोटवारों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अनुविभागीय दंडाधिकारी को कोटवार नियुक्ति का स्थायी आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है, फिर भी गलत तरीके से नियुक्ति आदेश दिया गया है। वहीं ज्ञापन के बाद अपर कलेक्टर टंकेश्वर साहू ने कहा कि कलेक्टर के नाम से कोटवार संघ ने ज्ञापन दिया है, जिस पर उन्होंने कोटवार के परिवार को नियुक्ति की मांग की है, जिस पर कलेक्टर को अवगत कराकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। कोटवार परिवार के हित के लिए ग्राम गली खोली के कोटवार को तहसीलदार के द्वारा कोटवार नियुक्ति पर पदस्थ किया गया था स्थायी रूप से, लेकिन SDM साहब के द्वारा वह न्यायालय नायब तहसीलदार के आदेश को खारिज कर अनुभागीय दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा स्थायी कोटवार नियुक्ति का आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार के रूप में तहसीलदार को आदेशित किया गया है, लेकिन SDM साहब को न्यायालय को यह अधिकार नहीं होता कि कोटवार नियुक्ति स्थायी रूप से वह किया जाए, लेकिन यह गलत आदेश हुआ है। उसके विपक्ष में आक्रोशित होकर कोटवार संघ 2 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन 21 और 22 तारीख को किया गया है और हमारे द्वारा कोटवार संघ के द्वारा जिला प्रशासन को 7 दिवस का ज्ञापन दिया है, अल्टीमेटम दिया गया है। अगर यह आदेश को खारिज नहीं किया जाता है, आगामी 8वें दिन हम लोग समस्त संभाग स्तर पर यहाँ खैरागढ़ में 1 दिवसीय चक्का जाम करेंगे और वह स्थान होगा अम्बेडकर चौक बस स्टैंड के सामने खैरागढ़। दीपक सहारे, प्रवक्ता कोटवार संघ के जिला इकाई खैरागढ़ छुई खदान गंडई के कोटवारों के द्वारा आज श्रीमान कलेक्टर महोदय के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें इन्होंने कोटवार परिवार के व्यक्ति को ही कोटवार पद पर नियुक्त किए जाने के संबंध में कलेक्टर महोदय से आग्रह किया है, तो उक्त संबंध में कलेक्टर महोदय को अवगत कराएंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी इसमें उसके अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN24। ये है Genesis Media Network और आप देख रहे हैं GBN24 न्यूज़।